बारीक कट कर दिया है। दो मैंने मीडियम साइज की प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून नमक, ये है मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टेबल स्पून, साबुत जीरा 1 टेबल स्पून और ये है एक चुटकी मेरे पास खाने का मीठा सोडा। बेसन है मेरे पास 1 कप। पानी हमें यूज होगा, क्वांटिटी हम जब बेसन को घोलेंगे उसके हिसाब से हद से जरूरत। ऑयल हमें चाहिए डीप फ्राइंग के लिए। 1 कप बेसन मेरे पास है जिसमें मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ और पानी के साथ इसको बैटर इसका घोल लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बेसन मैंने घोल लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इतने ही ठीक होना चाहिए। अब मैं इस पे प्याज ऐड कर रही हूँ जो मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज लेके साइज में कट कर लिए हैं। साथ में मैं हरा धनिया इस पे डाल दूंगी 2 टेबल स्पून, पुदीना इसमें मैं डाल दूंगी 3 टेबल स्पून और हरी मिर्ची मैंने 2 से 3 ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक। ये सब डालकर मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर हम पकोड़े बनाएंगे, क्रिस्पी पकोड़े। ऑयल मैंने गरम करने को रख दिया है।